नमस्कार दर्शक बंधु मु मोनिका आपमन को स्वागत करुछी। आजिकालीर व्यस्तबहुल समय भितरे मनीष निजर खाद्यपेय निजर दैनंदिन जीवन उपरे ध्यान देबाकु भूली जाउछी आ जहा फळरे से निज आडकु अनेक रोग को आमंत्रण करुछी। आज आम जानिबा वर्तमान परिस्थिति रे अनेक लोकंकर चिंतार कारण पालटुथबा मेदबहुलता संपर्क रे एवं पेटरे चर्बी वृद्धि होतबा कारण ओ तार निराकरण संपर्क रे। दर्शक बंधु मेदबहुलता और चर्बी आमर नीतिदिनिया जीवनशैली गोटे बड़ टेंशन पलटि गला। रक्षापाई आम अनेक पंथा आपणे अनेक खर्चांत किंतु आमर समस्या दूर होना। आज आम आपको कहबू मेदबहुलता और चर्बी को दूर करने कि घर प्रतिकार जहाँ बेस फलप्रद। मेदबहुलता ह्रास आपण विशेषकर व्यायाम उपरे एवं खाद्यपेय उपरे ध्यान दिंतु। तेज आपत जानते कि आखुरस पीवा द्वारा आपण मेदबहुलतारो रक्षा पाई। मोटापण कम करने सका उषुम पानी रे लेंबू रस एवं सामान्य लुण मिसाई पियंतु जहाँकि मेटाबोलिज्म बढ़ाई थाए एवं कैलोरी कम करिथाए। पर्याप्त परिमाणर पानी पीवा आपण को आवश्यक। पानी शरीरु विषाक्त पदार्थ बाहर करथाए। जदि आपण बेसी भात खाइबा पसंद करती तेबे सेथिरु दूरे रुहंतु कारण भात आपण शरीर में मोटापण बढ़ाई थाए। चाउल प्रस्तुत खाद्य परिवर्ते आपण गहम प्रस्तुत खाद्य खाइबा उचित। आमिष जातीय खाद्य कम करंतु। खाइबा पीबा प्रति विशेष भाव ध्यान दिंतु। ठीक समय रे खांतु। अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य खातु ना। जदि जने संतुलित एवं उत्तम खाद्य सहित सठिक मात्रा रे शारीरिक गतिविधि उपरे ध्यान देबे मोटापण भली समस्यारु से मुक्ति पाइपरिबे। शाकाहारी लोकों पर हाई फाइबर युक्त खाद्य कम खाइबा उचित। यह ओजन कमेबारे सहायक होइथाए। प्रोटीन बेस्ड डाएट रे साधारणतः 100 प्रकार खाद्य पदार्थ सामिल होइथाए। तेबे यार प्रथम पर्यायर 2-3 किलो ओजन ह्रास पाइथाए। सुगार एवं आयरन युक्त खाद्य खाइले अतिरिक्त भाव में वृद्धि पाई ओजन को नियंत्रण करे। एहा सहित प्रत्येक दिन झाड़बुहा परिश्रम कले शरीर में बढ़ुवा चर्बी अंश कमी थाए शरीर ओजन ह्रास घटी थाए। तेबे दर्शक बंधु आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवनशैली मोटापण एवं पेटरे चर्बी वृद्धि पाउछि। समय अभाव जो अधिकांश लोके फास्टफुड जंक फुड इत्यादि खाऊ तेणु आपण मैंने आवॉइड करंतु। पेटरे चर्बी कम करने खाद्य लुणर मात्रा को कम करवा उचित। फाइबर युक्त खाद्य जलखिया सामिल कले बेस भल। प्रत्येक दिन सका खाली पेटरे 2 पाखुड़ा रसुण खाई लेंबू पा पिंतु जहाद्वारा ओजन कमाइबा प्रक्रिया 2 गुणा वृद्धि होइथाए। खाद्य प्रस्तुत समय रे मसला भाव में आपण मैंने डालचीनी व्यवहार करें गोलमरीच अदा व्यवहार करने निहाती आवश्यक। यह शरीर एवं रक्त ग्लुकोज स्तर को कम करिबारे सहाय्य करे। प्रत्येक दिन ठीक टाइम रे व्यायाम मध्य करिबा उचित। तेबे दर्शक बंधु अरुआ भात खाइबा ठारु आपण मैंने दूरे रुहंतु। जदि आवश्यक पड़े तेबे उसुना चाउल भात खाइले बेस भल कारण एथिरे कोलेस्ट्रोल मात्रा कम रही थाए। एथिरे थिबा भूसी शरीर कोलेस्ट्रोल स्तर कम करिथाए। लुण कम खातु कारण एथिरे जल धारण क्षमता अधिक रही थाए फलरे शरीर में जलर मात्रा बेस बढ़ी थाए। एथिसहित आपण मैंने आचार पांपड़ खाइबा मध्ये बंद करंतु। चीनी कम खाइबा को चेष्टा करंतु। तंतु जातीय खाद्य खातु। यह भोक कंट्रोल करने सहित आपणकर मोटापण कम करिथाए। यह छड़ा एथिरे मिनरल्स रही अन्यन्य विटामिन प्रचुर परिमाण में थाए। आपण मैंने गोलमरीच सोरिष हलदी लंका आदि को सामिल करंतु खाद्य रे। एहा हजम शक्ति बढ़ावा सहित आपण शरीर ओजन कमाई थाए। यह छड़ा आपण मैंने अधिक रसुण खातु जहाँकि पेट कमाइबार साहय करें। प्रचुर पानी पियंतु जमीक मुझ पूर्वर कहली उषुम पानी पीले आहुरी भल। खाइबार अधघंटा पर उषुम पानी पियंतु जहाद्वारा शरीर विषाक्त पदार्थ किडनी दे बाहर को बाहरी जाए। शरीर में रक्त संचालन उत्तम रूप से होगा सहित उषुम पानी मोटापण कमाइबार साहय करे। तेज दर्शक बंधु जदि आवश्यक पड़े तेज आपण मैंने बादाम एवं अखरोट भली ड्राई फ्रुट्स खाईपरिबे कारण यह खाद्य शरीर में जमे ना। एथिस शरीर ओजन कमाइबार यह बे सहायक होता है। दर्शक बंधु मांस खातु ना कि मद्यपान भी करूँ ना कारण मांस में प्रचुर परिमाण प्रोटीन थाए एवं मदरे कैलोरी थाए जहाँ आपणकर मोटापण कमाइबार बाधा सृष्टि करें। जदि आपण मैंने जिम जाऊँ तेज मांस खाइबार कौन से असुविधा ना।
अत्यधिक फल खातु पनीपरिया खावाक चेष्टा करूँ एथेर बहुत कम परिमाण में क्यालोरी थाए एथिसहित एसबु खाद्य शरीर को पोषक तत्व जोगाइ थाए। सकाळे पेट पूरा जलखिया खातु खाली पेटर रुहंतु नाही कि तेल रे छणा खाद्य पदार्थ बाहर खाद्य खातु नाही। चा पीवा समय रे आपण माने खीरो चा मध्य मेदबहुलतार कारण तेणुक खीरो चा को अवॉइड करंतु। जदि आवश्यकता पड़ुछि तेणु आपण माने ग्रीन चा पीवा को पसंद करंतु अर्थात ग्रीन टी पियंतु। राति रे गोटे ग्लास पानी रे गोटे चामच जुआणी पकाई आपण माने बतुरांतु। एहाकु सकाळे छाणी सही पानी रे गोटे चामच महु मिसाई नियमित पियंतु। एहाकु नियमित भाव रे सेवन कले आपण निश्चिंत रूप रे एहार फरक अनुभव करिपारिबे। आपणकर चर्बी एवं मोटापण धीरे धीरे कमिबो। जदि आपण प्रत्येक दिन सकाळे खाली पेटरे गोटे चामच जुआणी खाइबे तेबे गोटे मास मध्ये आपण निजर फरक अनुभव करिपारिबे। जुआणी शरीर मेटाबॉलिज्म को अधिक सक्रिय करिथाय जहाद्वारा शरीर फैट नियंत्रण होगा सहित ओजन शीघ्र कमी थाए। तबे दर्शक बंधु आज पई तो एतिके पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय से जाए विदा दियंतु। नमस्कार।